Yes, ma'am. Yeah, yeah, I'm sorry. Such a better man. Say your last. Minor, plus time, like a phone. That's saying it. Wait. सुनिए बात को, आपने जितना किया सही किया, मुझे पता है आपका आंसर यहाँ तक आया है। yes, sir. बट मैंने कभी किसी जमाने में के की बात कही थी कि के लेने से इक्वेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है? चलो देखो, कही थी ना के की बात मैंने। चलो देखो, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन दिया, इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अब आपके पास जो नए रूट है वो है 3α 3β, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सम कर दिया, ये प्रोडक्ट कर दिया। सम किया 3 कॉमन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इधर 9 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2। पिछले बार किस्मत थी 2 से 2 कैंसिल हो गया था, इस बार 3 कैंसिल नहीं हो रहा, तो -9/2 -+ ये हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट होती है वो होती है ax2 + bx + c, नीचे कुछ बैठा नहीं रहता है। तो मतलब आप आरडी देखोगे, आरएस अग्रवाल देखोगे, तो इसको हल्का सा सॉल्व कर दिया, गलत ये नहीं है, मगर 0.5 कटने के चांस है, सॉल्व कर दिया जाता है। तो कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, 2x2 + 9 + 18 / 2 आ गया। अब आपको मैंने बताया था कोई भी पॉलीनोमियल में के लगाने का अधिकार होता ही नहीं होता। yes, और के आप मनमर्जी कुछ भी ले सकते हो, पॉलीनोमियल बदलेगा नहीं, रूट नहीं बदलेंगे। तो के अपॉन 2 आ गया, और अब सबसे अच्छी वैल्यू के की क्या होगी यहाँ पर, 2, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 2x2 + 9x + 18। समझ में आया? तो ये हमारे पास आएगा 2x2 + 9x + 18। तो इसको नोट कर लीजिए। यस बेटा, यहाँ पर ये, अच्छा इसके नीचे क्या लिखा बेटा, इसके नीचे क्या लिखा, 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 2 2 हो गए। क्लियर है? ओके, रिटेन, समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे, काफी सारे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यस एक और क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, इफ px = लिख रहे हो अभी,